गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ में जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ गाइस, जब ये चीज़ मैंने देखी थी तो मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हुआ था कि ये चीज़ सच में हो चुकी है। तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ऋतु फैम के साथ में ये ज़रूर शेयर करूँगी। 5 डेज पहले मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया था तो बॉडी मेजरमेंट लिखते हैं ना वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले कि कहाँ पे से कितना इंच है, लाइक फुल बॉडी मेजरमेंट किया था मेरे जिम ने। तो वो पेपर में मैंने लिख लिया था ताकि वो अपडेट मिले कि कितना डिफरेंस वगैरह आया है। एंड बिलीव मी, ये पेपर मुझसे खो गया था। 5 डेज पहले जब मैंने रूम क्लीन किया मुझे ये पेपर मिला, तो मैंने और योगेश सर ने सोचा कि अभी और पहले का कंपेयर करके देखते हैं कितना डिफरेंस आया है बॉडी में। एंड जो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, आई जस्ट कांट बिलीव कि ये मैं वही थी। लाइक ये जो पास्ट मेजरमेंट है ये मेरे ही है, मुझे इस चीज़ का यकीन हो ही नहीं रहा था। जब मैंने कंपेयर करके देखा मेरा बॉडी का चेंजेस, मैं लिटरली रोने लग गई थी। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि यस, ये 2 साल जो मैंने वेट लॉस को दिया है, फिटनेस को दिया है, अपने आप को दिया है, वो सच में वर्थ है। एंड मैं मेरी पूरी लाइफ भी दे दूँ तब भी कम पड़ेगा मुझे। लाइक मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। एंड तभी सोच लिया था कि ऋतु फैम के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से मेरी जर्नी, कहाँ से कहाँ मैं लेके आ चुकी हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो हाय गाइस, दिस इज़ ऋतु नंदा। मैंने 55 kgs का वेट लॉस किया है। इस चैनल पे आपको वर्कआउट रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड एंड कभी कभी मैं ब्लॉग करती हूँ तो वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर देना पहली बार देख रहे हो तो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जर्नी का जो वीडियो है, स्टोरी वीडियो है, वो मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो गाइस बस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी फटाफट, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4-5 डेज से वेट कर रही हूँ शेयर करने के लिए एंड काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी। तो आज तो अभी आप बिलीव नहीं करोगे अभी टाइम क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। पर मैंने सोचा आज ये वीडियो शूट होके ही रहेगा भले ही मैं कितना भी लेट से हूँ, क्योंकि मैं वेट ही नहीं कर पा रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा दूँगी डिस्प्ले पे कहीं ना कहीं ये जो मैंने लिखा था बिफोर एंड आफ्टर, तो मैं अभी आपको रीड करके सुनाती हूँ। तो नेक्स्ट से स्टार्ट किया था मेजरमेंट करना, तो मैं पहले का बता रही हूँ सब कुछ। पहले मेरा नेक था 15, जो टेलर के पास में आता है ना इंची टेप, मैंने अभी भी चेक किया था, मेरा 2-3 डाउट्स था, मैंने कहाँ रख दी टेप, एक सेकेंड गाइस। हाँ ये देखो, ये जो इंची टेप होता है ना, ये टेप से नापा था मैंने मेरा बॉडी उस टाइम पे भी, और अभी भी जो न्यू है वो भी इसी से नापा है। तो जो मेरा नेक था वो था 15 एंड चेस्ट था 48, आर्म्स था 17, लोग बोलते मेरा 16 का डोला, मेरा 17 का था। 4 आर्म्स होता है ये था मेरा 14, एब्डोमल जो पेट होता है पेट के ऊपर का हिस्सा वो था 44, वेस्ट था मेरा 48 वेस्ट था तभी नापने के टाइम, बट मैं 50 की जीन्स पहनती थी, 50 की वेस्ट की जीन्स पहनती थी बिलीव करो। एंड हिप्स था मेरा 56, लाइक जो हिप्स एंड ऐसे पूरा गिनते हैं ना ऐसे, मतलब जो कमीज के टाइम लाइक कुर्ती पहनने के टाइम जो नाप लेते हैं हिप्स का, वो था 56। एंड थाइस जो मेरे थे वो थे 30 एंड काव्स मेरे थे 19। तो ये था मेरा मेजरमेंट। उसके बाद में चलते हैं BMI, BMR एंड फैट पर्सन की तरफ। मेरा BMI था 45, BMR था 2053, फैट परसेंट था 48%, वेट था मेरा 125 kgs, हाइट है मेरी 5.7 एंड एज उस टाइम पे थी 24 ईयर्स की लड़की का था ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया है एंड सबसे बेस्ट डिफरेंस जो आया है वो है मेरी एज में। लाइक पहली बार अपनी एज को देखते हुए अच्छा लग रहा है कि 24, जब मैं 24 ईयर्स की थी तब मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था, आज मैं 26 रनिंग हूँ। तो 26 मतलब ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि 24 में जितना मैं अपने बॉडी को इतना अनजस्टिस कर रही थी, मेरा एज ज़रूर बढ़ गया है बट मैं मेरी बॉडी को हैप्पीली रख रही हूँ। तो ये देख के फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा हाँ चलो मैं 26 ईयर्स की हूँ, क्योंकि मैंने मेरे बॉडी में सच में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। तो जो मैं अभी जो मैंने मेजरमेंट किया था अभी कितना क्या आया है वो बताती हूँ। तो नेक से स्टार्ट करते हैं, अभी मेरा नेक है 12,
चेस्ट है 36, आर्म्स है 13, फोर आर्म्स है 10, एब्डोमिनल है 34, वेस्ट है 36, यहाँ पे वेस्ट 36 है बट मैं 34 की जीन्स पहन लेती हूँ, हिप्स है मेरे 39, थाइज है मेरे 28, काव्स है मेरे 13। तो अभी का मेजरमेंट इस तरह से है, BMI, BMR एंड फैट परसेंट की तरफ चलते हैं। ये है BMI है 27, BMR है 1500, फैट परसेंट है 30, वेट है 77 एंड हाइट एंड एज तो मैंने बता ही दिया। तो गाइज ये है अभी और पहले का मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। बहुत सारी बातें करनी है इस बारे में क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है गाइज, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये पेपर अब तो मैं कभी खोने नहीं दे सकती हूँ, बहुत सारे वीडियोस बना के रख लूँगी, फ़ोटोज़ खींच के रख लूँगी ताकि इस बार खोए तो मैं वापस से लिख लूँ। बट पता नहीं कैसे मुझे मैजिकली मिल गया, मेरे जो बुक्स शेल्फ था उसकी बुक्स के अंदर चला गया था, तो वो बुक्स के अंदर कहीं मिक्स हो गया था एंड मैंने सब वो बुक्स को रद्दी वाले को देने के लिए निकाला एंड ये पेपर, लकीली ये पेपर नहीं गया। तो बात करते हैं इसकी। तो मेरी जर्नी गाइस ये इजी नहीं था ऑब्वियसली, जैसे सुनने में लग रहा है इतना सारा डिफरेंस हर एक में, मोर देन 10% डिफरेंस है, जिस तरह से सुनने में लग रहा है उतना ईजी नहीं था। बट मैं यही समझती हूँ गाइस, जब आप इस तरह के रिजल्ट्स देखते हो ना, उसके बाद में जो आपका दर्द और पेन था, वो सब कुछ जो पैसे खर्चा होते हैं वेट लॉस के टाइम पे, वो सब मेरे को लगता है वर्थ करता है। आपको हमेशा मैंने बोला है अप्स एंड डाउन्स किसकी लाइफ में नहीं आते हैं एंड किस चीज़ में नहीं आते हैं, एंड मोर ओवर जब आप लाइफ में कुछ बेस्ट करने लगते हो तभी तो पक्का ही है कि अप्स एंड डाउन्स आने ही वाले हैं। बट वही होता है कि आप कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है एंड अपने गोल्स की तरफ क्लियर हो तो ये अप्स एंड डाउन्स कोई मैटर नहीं करते हैं। एंड ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो आपने अभी का मेरा कैलकुलेशन देखा, ये अभी भी परफेक्ट नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली लाइक 1 वीक हो चुका है, इसके पहले मतलब ये 5 डेज पहले मैंने मेजर किया था, तो 1 वीक पहले मतलब ये मेजर करने के 2 दिन पहले शायद मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने आज से 6 मंथ्स पहले वाले कुछ वीडियोज़ में आपको बताया था कि लूज स्किन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तभी मुझे आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि दीदी आप स्लीवलेस नहीं पहनते, जैसे कि मैं अब भी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि तभी मैंने बोला था ना कि लूज स्किन है मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है। तो उसके बाद से कहीं ज़्यादा अभी भी क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में कई बार आया कि दीदी आपने बताया था कि आप लूज स्किन का ऑपरेशन करवाने वाले हो, तो क्या वो हो चुका है या फिर आपका क्या प्लानिंग है। तो वही 6 मंथ्स हो चुके हैं बात करके एंड लास्ट 2-3 मंथ से मेरा ट्रीटमेंट एकदम प्रॉपरली चालू है, एक्चुअली 6 मंथ से ही चालू है बट 3 मंथ्स में बहुत फास्ट चालू है, क्योंकि यही ईयर एंड में 90% मैं ऑपरेट करवा लूँगी। 90% का प्लान अभी तक यही है, बट लास्ट मोमेंट में जब बॉडी चेकअप होता है कुछ ऊपर नीचे होगा तो एक आधा महीना रुकना पड़ सकता है, बट कि ये ईयर एंड के पहले मेरा बॉडी कॉन्ट्रिंग हो जाएगा, लूज स्किन से फ्री हो जाऊंगी एंड तब आपको मेरा एक्चुअल वेट और ये बॉडी मेजरमेंट्स पता चलेगा। एंड आई प्रॉमिस यू टुडे कि आफ्टर माय बॉडी कॉन्ट्रिंग सर्जरी मैं आप लोगों के साथ में लाइव वीडियो में अपना बॉडी का मेजरमेंट शेयर करूँगी। मुझे जब मैं गई थी डॉक्टर के पास, बिलीव मी ट्रस्ट मी गाइस, डॉक्टर ने मेरी जो तारीफ़ की ना, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे एक्चुअली मुझसे। उन्होंने बोला कि कहीं ज़्यादा लोग आते हैं बोलते हैं कि लिपोसेक्शन वगैरह करके ऑपरेट कर दो, वेट लॉस करना है, बट आप जैसा पेशेंट जिन्होंने 50-55 kg अपनी मेहनत से कम किया है एंड आप आके मुझे बोल रहे हो बस ये लूज स्किन निकाल दो, जितना प्राउड आपके पेरेंट्स है उतने ही प्राउड मैं एज अ डॉक्टर फील कर रहा हूँ कि मैं आपको ट्रीट कर सकता हूँ। इस तरह से उन्होंने बोला कि वेल डन, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। वो यही बोल रहे थे कि मैं मेडिकल में हूँ एंड वो सर्जन थे, मतलब स्किन सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन जिनको बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि
मैं तो ये फील्ड का हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अपनी बॉडी में चेंजेस लाना वो भी खुद से विदाउट मेडिकल हेल्प कितना डिफिकल्ट होता है. आपने वो कर दिखाया तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि आपने मुझे कितना ज़्यादा हैप्पी कर दिया अपने रिजल्ट्स के टाइम रिजल्ट्स से. तो ये सब सुन के उस टाइम पे भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे मम्मी पापा और मैं, हम तीनों गए थे. तो आई जस्ट मेड माई पेरेंट्स प्राउड. तो यही है गाइज, बहुत एक्साइटेड थी ये शेयर करने के लिए. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा. एंड डॉक्टर ने बोला था जो चेकअप कर रहे थे ना, उन्होंने मेरा पूरा बॉडी चेक किया था, एग्जामिन किया था कि किस तरह से ऑपरेशन होगा, क्या होगा, प्रोसेस क्या है. तो उन्होंने जब मेरा बॉडी एग्जामिन किया तो उन्होंने टच करके, मतलब उनकी मशीन्स वगैरह से जो भी था उनसे उन्होंने पता करके मुझे ये बताया है. लाइक डॉक्टर की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है, बट जितना मुझे अंडरस्टैंड हुआ था वो ये था कि मेरी बॉडी में जो फैट परसेंट है वो बहुत कम हो चुका है. लूज स्किन की वजह से मेरी बॉडी काफ़ी बल्की दिखती है. कुछ दिनों पहले राखी ब्लॉग जब डाला था मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि दीदी आप मोटी हो गई हो, आपने वेट गेन कर लिया है. तो हाँ, मैंने एक आधा दो किलो वेट गेन किया है, मैं डिसएग्री नहीं करूँगी इस बात को. बट गाइज, लूज स्किन बहुत हद तक चली गई है अभी, इसलिए मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बल्की दिखती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी बहुत जल्दी ब्लॉटेड फील करती है क्योंकि लूज स्किन बहुत ज़्यादा है बॉडी में. तो इस तरह से डे बाय डे, मतलब मैं खुद को ही फील करती हूँ यार आज मैं कल से बहुत ज़्यादा पतली दिख रही हूँ, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे लगता नहीं आज थोड़ी सी मैं हेल्दी दिख रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी बहुत जल्दी से ब्लॉटेड हो जाती है. एंड ये सब बस हो जाएगा सॉल्व बहुत ही जल्दी. एंड पक्का प्रॉमिस है कि लाइव मेजरमेंट करूँगी आप लोगों के साथ में. तो जो मशीन है उसमें तो 30% फैट्स आया था, बट डॉक्टर बोलते हैं कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आने वाला है. तो इस तरह से हमारा बॉडी मेजरमेंट है. एंड डॉक्टर ने ये भी बोला है कि आपका बॉडी कॉन्ट्रिंग के बाद आप 10-15 केजीज वेट लॉस कर लोगे. आपकी बॉडी में 10-15 केजीज का लूज स्किन है. तो इमेजिन करो गाइस, ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया, मतलब मेरा मेन लूज स्किन का ऑपरेशन क्या होने वाला है वो है एब्डोमिनल, थाइस एंड हैंड्स. और यही 3-4 जगह है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फैट्स थे और यही मेन टारगेट एरिया है जहाँ पे लूज स्किन है और मुझे यही ऑपरेट करवाना है. तो ये सब एरिया से जब मेरी लूज स्किन निकल जाएगी तो 10-15 केजीज वेट लॉस हो जाएगा. इसलिए शायद थोड़ी सी ज़्यादा रिलैक्स हूँ मेरे वर्कआउट और डाइट को लेकर, ने एक आधा किलो ऊपर नीचे कर लिया है. तो यही था गाइज, शेयर करना था मेरा बॉडी मेजरमेंट. एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आने वाले दिनों में मेरी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है. बस आप लोगों का इसी तरह से प्यार चाहिए एंड सपोर्ट चाहिए. अगर आपकी जर्नी आपने जस्ट स्टार्ट की है तो इतना ही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट. पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, करते जाओ, अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, बट मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. एंड मैंने तो मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, आप देख रहे हो ये नंबर्स क्या है. मतलब जब मैं सोचती हूँ कि इस तरह का कोई क्लाइंट अगर मुझे मिल जाएगा तो कितना स्ट्रेसफुल है, बट हैट्स ऑफ टू माय सर कि उन्होंने मुझे इतना अच्छे से मैनेज किया है. और लाइक बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ. एंड टच वुड इतना ही बोलना चाहूँगी. एंड मेरी तो जर्नी ये सब नंबर से इतना ज़्यादा, मेरा बॉडी शेपलेस कुछ था ही नहीं. लाइक आप कोई भी एक पार्ट देख के नहीं बोल सकते थे कि यहाँ पे से चल ठीक है, यहाँ पे वेट ज़्यादा है नहीं, फैट ज़्यादा है नहीं, ऐसा कुछ भी. टोटली यहाँ से लेके यहाँ तक हम फेस को मेजर नहीं कर सकते, नहीं तो मेरे गाल इतने बड़े थे. तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स का ही मेरा चेंजेस नहीं हुआ है लाइफ में गाइस. मैं एज अ फैट गर्ल 125 केजीज की, एंड बाप रे 50 मेरी वेस्ट थी जीन्स जब मैं पहनती थी, वो लड़की आज एज अ फिटनेस यूट्यूबर, फिटनेस मोटिवेशन आप लोगों से बात कर रही है. एंड इतना ही नहीं, जिसका सबसे बड़ा हाथ है मेरी जर्नी में, मेरे सर योगेश, उनका इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आपकी जर्नी के लिए. तो उनके अंडर एज अ ट्रेनर काम करने लगी हूँ. तो आप बस सोचो मेरी जर्नी किस तरह से, जहाँ पे मेरी बॉडी में, मेरी लाइफ में फिटनेस का कोई नामो निशान नहीं था, एंड एज अ फिटनेस यूट्यूबर सर के अंडर ट्रेनिंग में हेल्प करना, ये सब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ. एंड ऑब्वियसली आप लोगों के सपोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है सब में. थैंक यू. सो बस गाइज, यही सब शेयर करना था. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएंगे, प्लीज़ जाके फॉलो करो. एंड नवी मुंबई से हो तो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए ज़रूर
आ जाओ आ जाओ, गारंटी है वेट लॉस होगा ही होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना आपका भी यही स्टोरी होगा, मुझे पता है। बट टेंशन मत लो, स्टार्ट करो जर्नी। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो, पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकते हो अगर आप नई मुंबई से हो तो। मैं वेट करूंगी इंस्टाग्राम डीएम्स का। बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी गाइस।